हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है गुजरात, हिमाचल एंड दिल्ली एमसीडी इलेक्शन मेल्टडाउन्स फुल एनालिसिस। तो भैया, ये सब के इलेक्शन के तो हमें पता ही है कहाँ पे कौन जीता और क्या हुआ। अब देखते हैं मेल्टडाउन्स किसके हो रहे हैं। जो जान नहीं जीता उसके मेल्टडाउन्स हो रहे हैं कि जो जान जीता हुआ वो जीतने के बाद मेल्टडाउन हो रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बड़ा क्लियर हो रहा है कि गुजरात के अंदर 27 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और बीजेपी इस पर बुरी तरह हारेगी। 90-92 सीट आ रही है, बदलाव की आंधी चल रही है, सारा गुजरात खड़ा हो गया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। चड्ढा, समझाओ इसे, समझाओ। भारतीय जनता पार्टी जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। मैं आपको ये वीडियो रखना है तो रिकॉर्ड कर लेना। आपको मैं बताऊं, बीजेपी 40 क्रॉस नहीं करेगी। 120 सीट से ज्यादा आम आदमी पार्टी 2022 में लेकर आए। 8 दिसंबर 2022 को आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बन गई। They have crossed the record of 149 by Madhav Singh Solanki in 1985 for the Congress. They have of course bettered their own previous performance, but this is historic by any yards. Their vote percentage has also gone up to 53-54%. चलो कोई नहीं यार, कम से कम दिल्ली एमसीडी तो जीते ना। चलो शाबाश, स्माइल करो। ऐसे होते हैं लोग। हेलो हेलो, और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो गुजरात जैसे स्ट्रेटेजिक स्टेट का एक हाई प्रोफाइल इलेक्शन, हिमाचल प्रदेश का स्लाइटली लेस हाई प्रोफाइल इलेक्शन और दिल्ली एमसीडी का उससे भी स्लाइटली लेस हाई प्रोफाइल इलेक्शन हाल में ही कंक्लूड हुए हैं और आइए आज उन तीनों इलेक्शंस का एनालिसिस हम करेंगे। सबसे पहले सबसे हाई प्रोफाइल इलेक्शन की बात करते हैं। गुजरात जैसे एक बड़े स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट की, जो मोदी का होम स्टेट है, जो बीजेपी का एक गढ़ यानी फोर्ट्रेस माना जाता है। और याद रखें कि पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने काफी छोटे मार्जिन से स्टेट को जीता था। कांग्रेस ने पिछले इलेक्शन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी थी यहाँ पर। उसके ऊपर से बीजेपी पिछले 27 सालों से यहाँ पर पावर में है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग उनको फेस करनी पड़ रही है। और इसलिए इस बार इस इलेक्शन में ये एक सीरियस कंसर्न था बीजेपी सपोर्टर्स में कि अगर कांग्रेस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो वो फाइनली 27 सालों के बाद बीजेपी को पावर से हटा सकते हैं। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी के दिमाग में नहीं है। भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं, बात समझो। उसी तरह से राहुल गांधी गुजरात के वोटर्स के दिमाग में भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने इस इलेक्शन में हारने के बजाय पिछले 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर 156 सीट कमाई है और 50% के ऊपर का वोट शेयर भी कमाया है। गुजरात का इलेक्टोरल मैप अगर आप देखें तो पूरा स्टेट भगवा हो रखा है। तो आप सोचिए इस बात को कि 6 टर्म लगातार पावर में होने के बाद बीजेपी ने 7वां टर्म जीता है और अपना वोट शेयर भी इंक्रीज किया। कांग्रेस पार्टी ने अपना वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया है जिसमें उन्होंने 17 सीटें कमाई हैं। और आम आदमी पार्टी जो बीजेपी को पावर से हटाने की इतनी डींगे हाक रही थी, उसको 5 सीटें मिली और वो भी कांग्रेस का वोट शेयर खाके। तो दो चूहे रोटी के ऊपर लड़ाई करते रहे और रोटी तो बिल्ली लेके चली गई। तो गुजरात के इलेक्शन से एक बड़ा टेक अवे ये है कि मोदी आज भी बहुत पॉपुलर है, मोदी वेव आज भी एक बहुत रियल चीज है और बीजेपी ने ये दिखाया है कि एक लंबे समय तक एक स्टेट पर राज करने के लिए आपको सिर्फ CPM और TMC की गुंडागर्दी और गरीबी का मॉडल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल और सिविलाइजेशनल गौरव का मॉडल भी फॉलो करके एक स्टेट में लंबे समय तक राज कर सकते हैं। गुजरात के लोगों ने देखा है कि उनकी आंखों के सामने गुजरात स्टेट में इतना बदलाव आया है, इतनी डेवलपमेंट हुई है कि वो आज उस हालत को बदलना नहीं चाहते, बीजेपी को जाने नहीं देना चाहते। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने एक टीवी डिबेट पर देखा जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि बीजेपी एक तरह से एक कॉर्पोरेशन की तरह काम कर रही है और वो अपनी लीडरशिप को गुजरात में रिफ्रेश करते रहती है। जय मेंशन 42% वर न्यू MLAs। आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक बिकॉज़ दे आर नॉट गिविंग टाइम।
If you're not delivering, you're out. And I think that's great. तो हम हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के इलेक्शंस को भी थोड़ी देर में कवर करेंगे, लेकिन थोड़ी देर और गुजरात के साथ रहते हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया मेल्टडाउन जो है ना, देखिए वो तो गुजरात से ही निकल कर आए हैं। राहुल गांधी जी का गुजरात में जीत का जो सपना था, वो अभी भी सपना ही है। और जो लोग बीजेपी से नफरत करते हैं, उन लोगों ने इतना अटैक करने की कोशिश की बीजेपी को गुजरात के इलेक्शन के समय पे, फिर भी बीजेपी जीत गई, तो वो इस बात की जो फ्रस्ट्रेशन है वो अब गुजरात के लोगों पर ही बेस्ट इंडियन भाई, गुजरात स्टेट के साथ ही कुछ प्रॉब्लम है, बीजेपी को वोट देते रहते हैं। गुजरात को एक मरी हुई सोसाइटी बोल रहे हैं, ह्यूमैनिटी मर चुकी है गुजरात में उनके हिसाब से। हाँ भैया, दिल्ली के दंगों को बचा लिया, लेकिन गुजरात में हुए डेमोक्रेटिक इलेक्शन ने ह्यूमैनिटी को मार डाला। भाई गुजरात ने बीजेपी को तो सिर्फ इसलिए वोट दिया है क्योंकि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, और कोई रीजन नहीं हो सकता। ये भी मेरी गलती है। और देखिए जिस तरह से अब लोग गुजरात के लोगों को अटैक कर रहे हैं बीजेपी को वोट करने के लिए, यही एग्जैक्ट चीज मोदी ने ऑलमोस्ट 15 साल पहले प्रिडिक्ट की थी। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू टारगेट मोदी, सो नाउ यू मस्ट हैव रेड सो मेनी आर्टिकल्स, सो मेनी डिस्कशंस ऑन द टीवी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पीपल ऑफ गुजरात। जो लोग बीजेपी को कास्टीज पार्टी बोलते हैं, अपर कास्ट की पार्टी बोलते हैं, वो लोग मोदी को नीच आदमी बोल रहे हैं आज के जमाने में। इन लोगों के हिसाब से गुजरात जैसी जगह में कॉमन मैन की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं नहीं, आम आदमी की वैल्यू है, आम आदमी पार्टी की वैल्यू नहीं। और इनके हिसाब से गुजरात में तो कॉमन मैन हो ही नहीं सकता, कॉमन मैन तो सिर्फ नॉन बीजेपी स्टेट्स में होता है, जैसे केरला, बंगाल और तमिलनाडु। और देखिए यार, लोग अक्सर पूछते हैं कि यार मर्दों में फीलिंग्स नहीं होती। भाई इस सवाल का जवाब आप खुद दे लीजिए। देखिए राजदीप सरदेसाई की फीलिंग्स इलेक्शन के समय पे क्या ट्वीट कर रहे हैं। सैडनेस, दी एंड, दोबारा पूछना नहीं मर्दों की फीलिंग्स होती है कि नहीं। होती है यार, होती है। और गुजरात में इतनी बड़ी जीत रजिस्टर करने के बावजूद मूड ऑफ द नेशन बीजेपी के साथ नहीं है, मूड ऑफ द नेशन हिमाचल में है भैया। और सबसे कॉमन वाला जो हमेशा हमें सुनने को मिलता है कि भैया अंबानी अडानी ने ईवीएम्स को हैक कर लिया है। और मेरा पर्सनल फेवरेट कि गुजरात में इतनी बड़ी जीत रजिस्टर करने के बावजूद, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के बावजूद, हिस्टोरिक वोट शेयर के बावजूद, बीजेपी के अंत की शुरुआत हो चुकी है भैया। ये क्या लॉजिक है? रजनीकांत जी ने एक बार सही ही कहा था, दिस इज बियॉन्ड साइंस। और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं, मीडिया में भी लोग ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही गुजरात में बीजेपी जीती हो, लेकिन असली जीत आम आदमी पार्टी की हुई। लास्ट नेशनल इंटरेस्ट आई सेड दैट एनी वोट परसेंटेज दैट आम आदमी पार्टी माइट गेट ओवर 15% विल बी सीन एज अ बिग सेटबैक बाय द बीजेपी, एंड इफ दे क्रॉस 20% बीजेपी डीप डाउन विल सी इट एज अ डिफीट। वर्ल्ड फेमस बॉक्सर राजदीप सरदेसाई तो इस लेवल की दलाली दिखा रहे हैं कि तरला दलाल को भी शर्मिंदा होकर अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। हल्ला हल्ला, like it or not, if the Aam Aadmi Party is anything above 20% in Gujarat, it's huge. That's a big story. It's a huge story. Yeah. It's a, according to me, it's as big a story as the BJP winning a 7th time. Both will be equally big. How can it be? I tell you why. Who's come second and third can't be as big as who won the match. Rahul. तो राजदीप जी के हिसाब से जब 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तब आयरलैंड जो कि ग्रुप स्टेज के बाहर भी नहीं आई थी, उनकी परफॉर्मेंस और इंडिया की परफॉर्मेंस बिल्कुल बराबर थी। तो ऑब्वियसली काफी टेस्टी मेल्टडाउन्स हुए हैं। अब आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां से अकॉर्डिंग टू NDTV एंड निधि राजदान सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर फिर से गवर्नमेंट बनाई है। और हिमाचल प्रदेश का जो ट्रेंड रहा है कि हर इलेक्शन साइकिल में गवर्नमेंट चेंज होती है, वो ट्रेंड आज भी बरकरार रहा। और आम आदमी पार्टी को उतनी ही सीटें आई हैं जितने लोगों को आज भी हरमन बवेजा याद है, यानी जीरो। क्या यार, ये दिल्ली मॉडल की इतनी तारीफ होती रहती है हमेशा, ये दिल्ली मॉडल दिल्ली के बाहर क्यों नहीं काम कर रहा? Maybe the Delhi model is not finding traction beyond Delhi. कौन सा Delhi model? Delhi model Neha Dhupia was the last Delhi model to have worked. Okay. One second. तो हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ बीजेपी के साथ? एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा और धूमल फैमिली के बीच की जो इन फाइटिंग थी और जो ईगो क्लैश हो रहा था, उस वजह से बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचा है। बेसिकली जेपी नड्डा ने हिमाचल इलेक्शंस में लीडरशिप रोल लेने का कोशिश किया और उन्होंने डिसाइड किया कि किस किस को टिकट दिया जाएगा इस इलेक्शन में। धूमल फैमिली और अनुराग ठाकुर के ऊपर ये इल्जाम लगाए जा रहे थे कि उनके चूज किए गए जो कैंडिडेट्स हैं वो दोगले निकलेंगे, जबकि एट द एंड ऑफ द डे धूमल से ही निकले, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जेपी नड्डा के चूज किए गए जो कैंडिडेट्स हैं वो दोगले निकलेंगे, और वही दोगले निकले। ये सब दोगलापन है, जिस वजह से बीजेपी का वोट शेयर कट गया और बीजेपी बहुत सारी सीटें भी हार गई। और जहां तक मोदी वेव की बात आती है, तो देखिए मोदी वेव जब नेशनल इलेक्शंस होंगे, लोकसभा इलेक्शंस,
तब हिमाचल प्रदेश में जरूर चल जाएगा। लेकिन मोदी का हिमाचल प्रदेश में उस तरह का कनेक्शन नहीं है जिस तरह का पर्सनल कनेक्शन मोदी का गुजरात में है। उनका होम स्टेट है, वहां पर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, लंबा कनेक्शन है वहां पर। और ये जो परफॉर्मेंस हुई है हिमाचल प्रदेश में और जिस तरह से जेपी नड्डा का रोल रहा है इस परफॉर्मेंस में, वो बीजेपी लीडरशिप जरूर नोटिस करेगी और शायद बीजेपी लीडरशिप में जो जेपी नड्डा की पोजीशन है उस पोजीशन पर भी खतरा आ जाए। और कांग्रेचुलेशन भी देने चाहिए प्रियंका गांधी को और सचिन पायलट को, जिन्होंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कैंपेन लड़ा है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को ये जीत दिलाई है एक ऐसे समय पर जब राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम के लोगों को सेक्स टिप्स दे रहे हैं। बैठ जाओ इस पे, बैठ जाओ। नाउ आप चुपने की कोशिश करो, ठीक है? सो ओपन योर लेग्स आउट एंड नाउ सिट डाउन, ओके? Now what I want you to do is, I want you to, instead of keeping it like this, I want you to bend it like this, yeah. Now open your legs, you come. Now what you have to do, remember, you have to push the ass up. और उसके बाद हम आते हैं तीसरे इलेक्शन पे जो है दिल्ली का MCD elections, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को एक छोटे मार्जिन से हराकर 15 साल के बाद बीजेपी की पावर MCD से हटाई है। लेकिन देखिए इस पूरे इलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज रही है वुमेन एम्पावरमेंट की, क्योंकि देखिए शकीला बेगम जो की एक बड़ी anti-CAA प्रोटेस्टर थी, उन्होंने MCD में इलेक्शन जीता है। और उनका जो ये इंटरव्यू लिया गया है उसमें देखिए उनके चेहरे पर कितनी खुशी है। कोई गुरूर नहीं, कोई गुमान नहीं, सिर्फ खुशी और विनम्रता। एक सेकंड, हमें खबर आ रही है कि ये एक्चुअली शकीला बेगम नहीं है, ये सकीना बेगम है, ये शकीला बेगम है। न्यूज की एक्यूरेसी रहनी चाहिए। तो देखिए ये आम आदमी पार्टी की एक काफी अच्छी जीत है, लेकिन उसके साथ साथ इस जीत में आम आदमी पार्टी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि लग रहा है कि जो माइनॉरिटी वोट है वो आम आदमी से शिफ्ट होके वापस कांग्रेस की तरफ जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने 2 की मुस्लिम एरिया दिल्ली में हारे हैं। उसके ऊपर से जिन आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर करप्शन का आरोप लगा था वो भी अपने कंस्टिट्यूएंसी में हारे हैं। सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया भी अपने कंस्टिट्यूएंसी में 4 में से 3 सीटें हारे हैं। और बीजेपी हारने के बावजूद ट्रिपल डिजिट्स में रही। जो व्हाइट वॉश आम आदमी पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी MCD इलेक्शंस में वो नहीं हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो वोट शेयर का डिफरेंस है वो सिर्फ 3% रहा है, जिसने 22 सीट्स डिसाइड की है बेसिकली। और आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो 2020 के मुकाबले में 10% गिरा है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ये लोग सेलिब्रेट तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वर्ल्ड कप जीत लिया हो उन्होंने। देखिए भैया आम आदमी पार्टी भी ना एक तरह से पाकिस्तान की तरह है, किसी जंग में भारत को हराया तो है नहीं, तो सिर्फ एक ही चीज बोलते रहते हैं कि 80 ने तुस्सी पे राज किया सी, इत्थे उत्थे तुस्सी तुहाडा। और इनके मुताबिक बीजेपी का असली टेस्ट ये नहीं है कि गुजरात में उन्होंने 7 कंसेक्यूटिव टर्म्स जीते हैं। बीजेपी का असली टेस्ट तब आएगा जब बसंत कुंज के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का इलेक्शन होगा। लेकिन जोक्स असाइड, टू बी फेयर, कांग्रेचुलेशंस टू द आम आदमी पार्टी एज वेल, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने गुजरात को एक गढ़ बना के रखा हुआ है उसी तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को भी एक गढ़ बना लिया है। क्योंकि 2015 से बीजेपी कोशिश कर रही है, अभी तक आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हरा नहीं पाई है, उल्टा MCD इलेक्शन भी हार गई है। तो क्लियरली आम पार्टी का दिल्ली के लोगों से कुछ कनेक्शन तो बना हुआ है भाई। उसके ऊपर से बीजेपी की जो लीडरशिप है दिल्ली में, यार उसके बारे में क्या ही बोले। वैसे तो सब लोग मुझे एक सिंगर एक्टर जानते हैं ज्यादातर, लेकिन अब मैं एक बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में BPED MPED करके और अपनी यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की क्रिकेट टीम का कैप्टन भी रहा। और बेटा ये सब तो ठीक है, लेकिन इससे इलेक्शन कैसे जीतिएगा? लेकिन इस हार के बावजूद मेरे हिसाब से दिल्ली में बीजेपी के लिए एक सिल्वर लाइनिंग है। देखिए दिल्ली में बीजेपी की जब लीडरशिप की बात आती है तो हमेशा या तो मीनाक्षी लेखी की बात होती है या मनोज तिवारी जैसे लोगों की बात होती है, लेकिन एक पोटेंशियल दिल्ली में बीजेपी का स्टार उभर कर आ रहा है और वो है गौतम गंभीर, जिन्होंने अपनी ईस्ट दिल्ली लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में 61% वोट्स जीते हैं, यानी 22 out of 36, जो कि मीनाक्षी लेखी और मनोज तिवारी के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा हाई स्ट्राइक रेट है। उनका एक बना हुआ ब्रांड है, वो एक फेमस एक्स क्रिकेटर है, वर्ल्ड कप विनर है, वर्ल्ड कप फाइनल में 97 की इतनी फेमस इनिंग्स खेली थी इन्होंने। तो दिल्ली और भारत के लोगों की आंखों में इनका एक एस्टैब्लिश स्टार पावर है। और अगर बीजेपी दिल्ली को सीरियसली लेना चाहती है, दिल्ली में सीरियसली जीतना चाहती है, तो इस तरह के कैंडिडेट को आगे बढ़ाना काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन होगा इनके लिए। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात आती है, देखिए चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो कंटिन्यूअसली कांग्रेस के वोट शेयर को खा रहे हैं, कांग्रेस से सीटें खींच रहे हैं और इस लेवल की सीटें खींच ली है कि आज वो एक नेशनल पार्टी जैसा क्वालिफाई हो चुके हैं। तो उसके लिए उनको क्रेडिट देना जरूरी है। और देखिए मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी जैसी पलटू पार्टी और अरविंद केजरीवाल जैसा पलटू आदमी भारत देश के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ने ये दिखाया है पूरे भारत को कि उनको इलेक्शन जीतने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कोई और तो आके उनकी जगह ले ही लेगा ना। नाउ आप चुपने की कोशिश करो, ठीक है?
और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से इस इलेक्शन के सबसे बड़ा विनर कौन था, सबसे इम्पोर्टेंट आपके हिसाब से टेक अवेज क्या रहे हैं इस इलेक्शन से, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आप श्याम शर्मा शो का नया मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके वो मर्च जरूर चेकआउट करें। अगर आप श्याम शर्मा शो का मक क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके श्याम शर्मा शो का मक क्लब भी ज्वाइन करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें नीचे कॉमेंट सेक्शन में। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड पढ़ा। यार मजेदार था, मैं अभी तक बता रही हूँ, मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि भाई दिल्ली में चल क्या आ रहा है, पर आई एम वेरी हैप्पी कि गुजरात में जो है जनता दैट इज इंटेलिजेंट, समझदार जनता, उन्होंने फ्रीबीज की पॉलिटिक्स को ना बोला और कहा आउट। नहीं, ऑपोजिट है, गुजरात के लोग जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, उनको डेवलपमेंट चाहिए, इसलिए गुजरात तेजी से आगे बढ़ेगा, एंड ऑफ स्टोरी। 5-6 साल बाद 10 साल बाद गुजरात वाले सबको प्रूफ कर देंगे, देखो हमारा स्टेट कितना आगे बढ़ गया, और दुनिया भर के स्टेट से अगर तुम हमारे स्टेट में आ रहे हो तो तुम्हें नज़र आ गया कि हमने क्या डिसीजन लिए थे, वो सब अच्छे थे, और जो लोग अभी सही डिसीजन ले रहे प्रॉब्लम्स आएंगी उनको, पर 10 साल में उनको बहुत फर्क नज़र आ जाएगा जब वो गुजरात में एंटर करेंगे, वो चलेगा फॉरेन कंट्री में एंटर कर गए हैं, दे विल सी द डिफरेंस। और इसीलिए, और ये भी है दूसरी पॉइंट, बीजेपी को भी देखना पड़ेगा कि अच्छे कैंडिडेट रखने जरूरी है। बिल्कुल, अगर आप बीजेपी का नाम अच्छी बात है, परंतु आपके कैंडिडेट वाकई अच्छे होने चाहिए, उसे मेहनत करिए, अच्छे कैंडिडेट्स खड़े करिए, तभी जीतेंगे आप। और मैं बता रही हूँ, मैंने इसी बारे में डिस्कशन पापा से भी की थी, तो पापा का ये टेक था, वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने मुझे ये बोला कि देखो, जो जो आरएसएस से आए हुए हैं वो तो अपनी कंट्री के लिए हैं, तो वो तो पूरे डेडिकेटेड है अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि उनको किया ही उस तरह से ट्रेन किया हुआ है, क्योंकि पापा भी आरएसएस में थे तो उनको पता है, उन्होंने कहा वो तो अपनी देश के लिए करेंगे, पर जो दूसरे बीजेपी के हैं उनको वो वही पॉलिटिकल, जैसे बाकी पॉलिटिशियंस होते हैं उस टाइप के भी बीजेपी में वो लोग हैं, वो ही हैं जो बीजेपी को डुबा रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी नहीं हो रही। पर और कह रहे हैं कि जो भी वोट आ रहा है, जो बीजेपी के जो सक्सेस है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मोदी जी, क्योंकि उनका काम, क्योंकि वो आरएसएस से आए हैं, और वो पापा कह रहे हैं कि जब तक आरएसएस से ऐसे आते रहेंगे काम अच्छा होता रहेगा, बीजेपी जो है करेगी, पर अगर वो भी है ना कि कब वो, अगर वो चेंज हो जाए और उस टाइप के लोग ना आए तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि कंट्री को बढ़ाने के लिए उस टाइप की ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें होता है कि कंट्री कम्स फर्स्ट। तो मैंने पापा पे, तब उन्होंने बोला, वो कह रहे तो कहते हिमाचल प्रदेश में तो हर साल चेंज होता ही होता है, जो वो हुआ है, और दिल्ली का तो पापा कहते रहने ही दो। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।